हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पेंसिल शेडिंग स्टेप बाय स्टेप करना सीखेंगे। तो हमारे सामने आज है एक फ्रूट बकेट। तो इस फ्रूट बकेट में जो फ्रूट्स रखे हुए हैं, हमको पहले उसको ड्रॉ करना इन्होंने बताया है इसमें, फर्स्ट ड्राइंग में। फिर स्टेप सेकंड में इन्होंने में थोड़ी सी शेडिंग करनी बताई है, क्योंकि जो हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं वो लाइट टू डार्क स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए पहले इन्होंने सिर्फ ड्रॉ कराया है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में इन्होंने इसमें हल्की शेडिंग करी है। फिर इस वाले में उन्होंने पूरी प्रॉपर डार्क शेडिंग कर दी है। तो हमको सेम इसी तरह से इसी मैटर में, जैसे कि अब हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, इन्होंने पूरा ड्रॉ नहीं किया है, तो हमको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद लाइट शेड करेंगे जैसे कि इन्होंने इसमें किया हुआ है। फिर उसके बाद हम इसमें डार्क शेडिंग कर देंगे। फिर हम इस तरह से पूरी शेडिंग करके हमारी ड्रॉइंग पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी ड्राइंग के लिए जो ड्रॉ करनी है वो आपको इस पिक्चर में से देख करके करनी है, और आपको आपकी पेंसिल को एकदम लाइट चलाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये ड्रॉ अपना कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ करने का, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो हमने खुद ने ड्रॉ किया है, जान जहाँ इन्होंने ड्रॉ नहीं किया था। अब हमारा सेकंड स्टेप लेंगे हम ये वाला। अब इस सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपकी जहाँ पे हल्की हल्की ये शेडिंग दिखाई दे रही है, जैसे कि आपकी इस साइड, नीचे की साइड, ये साइड, ये साइड, यहाँ पे सेम आपको इस जगह पर भी वही सेम शेडिंग करनी है। और शेडिंग के लिए मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि आपको पेंसिल को लेटा के चलाना होता है। इस शेडिंग को करने के लिए आप 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे, और इस शेडिंग को करने के लिए आप 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी 2B पेंसिल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे शेडिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी स्टेप सेकंड भी डन कर दी है। ये हमारी स्टेप सेकंड है, और ये वाली भी हमारी स्टेप सेकंड है। अब हमारी फाइनल जो स्टेप है वो हम डन करेंगे। इसमें डार्क शेडिंग है, तो हवा हम 6B पेंसिल का यूज़ करते हुए इसको डार्क शेड करेंगे।
आप ये आपकी ड्राइंग देखते हुए इसको यहाँ पे आप शेडिंग करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप आपकी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। आप बस हमारे अभी ग्रब्स रह रहे हैं, इसमें हम हल्की हल्की सी खड़ी पेंसिल चलाएंगे क्योंकि हमको इसके अंदर थोड़े से स्ट्रोक्स देने हैं, यानी कि कुछ लाइंस वर्क के अंदर शेडिंग करनी है। जहाँ हमको स्ट्रोक्स शेडिंग करनी होती है वहाँ आपको आपकी पेंसिल को उठा करके शेड करना होता है। तो ये हमारी फूड बकेट डन है।